आज घर पे चाय पीने का मन नहीं था, तो आज हम शाम की चाय पीने के लिए अपने घर के पास वाले एक रेस्टोरेंट में आए हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर सी जगह पे लोकेटेड है। ये एक हिल टॉप रेस्टोरेंट है और इसके आसपास बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, अच्छे व्यू हैं, तो हम यहीं पे आज चाय पियेंगे। माही को खेलने के लिए एक प्रॉपर प्लेस भी मिल जाएगा, उसको भी ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं, वेदर बहुत अच्छा है। हमारी चाय आ चुकी है और चाय पीने के साथ साथ हम आसपास का नज़ारा देख रहे हैं। मेरे जस्ट पीछे रेस्टोरेंट है और सामने हमें पूरा शहर नज़र आ रहा है देहरादून, और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो मसूरी भी हमें यहीं से नज़र आ रहा है। तो चारों तरफ हमें बहुत अच्छा व्यू नज़र आ यहाँ बैठकर चाय का टेस्ट और भी दोगुना हो गया है, क्योंकि यहीं बैठ के हमें आसपास के दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, और क्या चाहिए। चाय पीने के बाद मैं आपको रेस्टोरेंट और उसके आसपास की जगह दिखाऊंगी, और जो भी यहाँ व्यू है जिसकी वजह से हम यहाँ आ जाए हैं वो सब आप भी देखें। ये देखिए, माही खेलने में व्यस्त है, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये दुनिया से बिल्कुल बेखबर होके खेलता रहता है। इसे ये जगह बहुत पसंद आई क्योंकि उसके खेलने के लिए यहाँ पर प्रॉपर जगह है, सब में खुला है। आपको बताया मैंने कि ये एक ओपन रेस्टोरेंट है। ये देखिए, मैं रेस्टोरेंट से थोड़ा सा नीचे आकर के बैठी हुई हूँ, यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे जस्ट पीछे देखिए, आपको रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा होगा जहाँ हमने चाय पी है। ये रेस्टोरेंट जैसे कि मैंने बताया हिल टॉप है, और ये देहरादून में सहजधारा रोड पे नागल गांव में है। हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया आए हुए और सूरज ढलने को है, तो अब हमें घर निकल जाना चाहिए क्योंकि घर तक पहुँचने में भी मुझे आधा घंटा लग जाएगा। तो अभी हम चलते हैं। अगर आपको मेरा और माही का ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।